हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टेप क्लियर कंसेप्ट। आज की जॉब ये आईटी कंपनी से रिलेटेड ये जॉब निकली हुई है जो मैं आपको पहली बार इस चैनल पर ये आईटी कंपनी से रिलेटेड इस वीडियो पर नोटिफिकेशन में अपलोड कर रहा हूँ। साउथरलैंड की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है। आईटी कंपनी है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। एंड अगर आप इंटरेस्टेड है इसी नोटिफिकेशन में तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक पर आपको वीडियो अपलोड करने की। जॉब रोल की बात करें यहाँ तो इंजीनियर इम्प्लीमेंटेशन ये आपका जॉब रोल रहने वाला है, हैदराबाद तेलंगाना आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। जॉब डिस्क्रिप्शन आप नोटिफिकेशन से भी चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि क्वालिफिकेशन क्या लगने वाला है, तो यहाँ क्वालिफिकेशन BCS समझो, जो भी आपका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है वो कंप्यूटर साइंस या आईटी से होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए, या फिर आपके पास BSc कंप्यूटर, BCA, MCA और अदर बैचलर मास्टर डिग्री इन कंप्यूटिंग आईटी प्रेफर, मतलब जो भी आपके आईटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपने कोर्स किया हुआ है उसके बिना भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। इसमें 0 to 3 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस लगने वाला है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो अभी आप इसके लिए एलिजिबल है। इसमें बेसिक नॉलेज की बात करें यहाँ तो बेसिक इंटरमीडिएट नॉलेज MS SQL सर्वर एबिलिटी टू क्यूरी डाटाबेस यूजिंग SQL 2008 से एबो, कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होना, मतलब आपको कस्टमर हैंडल करते आने को होना, पास एक्सपीरियंस विद क्लिनिकल एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटी प्रेफर सिस्टम मैनुअल ऑटोमेटेड टेस्टिंग एक्सपीरियंस प्रेफर यूजिंग ट्रेनिंग एक्सपीरियंस प्रेफर एनालिटिकल थिंकिंग एंड ट्रोबलोशूटिंग, ये आपको जो भी ये नॉलेज रहने वाला लगने वाला है उसमें US हेल्थ केयर नॉलेज एक्सपीरियंस प्रेफर्ड HL7 नॉलेज एक्सपीरियंस प्रेफर्ड गुड वर्किंग नॉलेज इन MS ऑफिस में आपका वर्किंग नॉलेज अच्छा होना चाहिए। उसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है MS ऑफिस के वो आपको क्लियर बेसिकली सब उसमें आप स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल टू कम्युनिकेट इन अ क्लियर कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोफेशनल मैनर लैंग्वेज इंग्लिश, मतलब जो भी आपकी लैंग्वेज है इंग्लिश वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, उसमें आपको बात करते आना चाहिए, सामने वाला क्या बोल रहा है वो आपको समझना चाहिए। और एडिशनल रिक्रूटमेंट की बात करें यहाँ तो ओनिंग द नेचर ऑफ द वर्क अपग्रेड द प्रोडक्शन एनवायरमेंट द रोल ऑफ रिक्वायर आफ्टर ओवर वर्क एंड ओवर वीकेंड वर्क ऑल वर्क विल बी कॉम्पेंसेटेड इन द फॉर्म ऑफ द टाइम ऑफ और पे, ये आपको जो भी एडिशनल रिक्रूटमेंट या एडिशनल रिक्रूटमेंट भी आपको यहाँ लगने वाला है। इंपॉर्टेंट बात यही थी बस इस नोटिफिकेशन में कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है आईटी वाले वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, मतलब कंप्यूटर साइंस वाले भी। मैंने आपको क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको क्लियरली समझा दिया हूँ, जो भी इंटरेस्टेड है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, आप डायरेक्ट जाकर भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस के चार्जेस नहीं लगने वाले हैं और जो भी आपका सिलेक्शन होने वाला है वो डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है, ना ही आपका कोई CBT टाइप एग्ज़ाम है, ना ही आपका रिटर्न एग्ज़ाम है, ना ही इंटरव्यू होने वाला है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होने वाला है। जीमेल जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो हिसाब से आप ज़रूर से भरना। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है फॉर्म फिलअप करने में तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर से बताना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्या पता आपके एक शेयर की वजह से ये नोटिफिकेशन किसी के काम आ सकती है।